तो ऑल ऑफ यू क्लियर थ्री एक टेंशन से निकल के दूसरे टेंशन में आ गए होगा बट दिस इज वेरी कॉमन इन HCS ऑलवेज दिस हैपेंस तो लास्ट 20 इयर्स आई एम सीइंग अगर मैंने 5 HCS देखे होंगे 20 साल में इन एवरी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम द सेम हिस्ट्री इज रिपीटेड कि वो हमेशा मेंस के लिए डेढ़ महीना अल्टीमेटली आफ्टर डिक्लेरेशन देते हैं उतना की अभी दिया है ना तो जब डेढ़ महीने की तैयारी होती है मेंस की इट इज लेस प्रिपरेशन मोर स्ट्रेटजी कामयाब वही होगा जो स्ट्रेटजी लगाएगा जो यहाँ से नहीं यहाँ से पढ़ेगा क्योंकि डेढ़ महीने में इतना पक्का है सारा कुछ नहीं कर सकते चाहे आपने जितनी मर्जी तैयारी पहले के रखी हो प्री से पहले मीन्स की डेढ़ महीने में तो बेसिक रिविजन भी नहीं होगी देखा जाए तो दिस लेक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द कैरेक्टर ऑफ द होल एग्जाम और कहाँ आपको अपनी प्रायोरिटीज ड्रॉ करनी है और डेढ़ महीने को कैसे आपने यू हैव टू प्लान दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टेकिंग इन टू अकाउंट द ट्रेंड ऑफ द पेपर कि जो पहले पेपर से चलता आ रहा है ठीक है तो आपके टोटल 5 स्कोरिंग पेपर हो गए फर्स्ट आपका हो गया जनरल स्टडीज का पेपर कितने नंबर का ये 100 फिर आपका हो गया इंग्लिश का 100 का ही 150 का 100 का इंग्लिश का फिर आ गया हिंदी का फिर आ गया ऑप्शनल 1 फिर आ गया ऑप्शनल 2 ये भी 100 नंबर का ये भी 100 का ये 150 का और ये 150 का ठीक है गलती बता दें थोड़ा 600 नंबर का पेपर हो गया ठीक है नाउ वी ऑल हैव आवर ओन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस कोई कहेगा जी मेरा एक ऑप्शन तैयार हो गया है दूसरा बिल्कुल तैयार नहीं है कोई कहेगा जनरल स्टडीज का मेरा ये सेक्शन तैयार हो गया वो तैयार नहीं है है ना तो फर्स्ट थिंग इज व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर मेंस यू हैव टू प्रिपेयर अ चार्ट चार्ट ऑफ योर स्ट्रेंथ्स स्ट्रेंथ्स का मेरा मतलब है कि जो चीज़ आपने एक बार दो बार पढ़ रखी है पहले है ना स्ट्रेंथ किस किस को मानोगे टचिंग यू हैव स्टडीड अर्लियर या आपने ग्रेड या पोस्ट ग्रेड में वो चीज़ पढ़ रखी है वो काम आएगी हमें उसको स्ट्रेंथ मान लेंगे हम एंड सेकेंड इज वीकनेस जो आपने बिल्कुल अभी कुछ कवर नहीं कर रखा कितने लोगों का एक ऑप्शन तैयार है मतलब तैयार मतलब अगेन कि चाहे UPSC में उन्होंने तैयार कर रखा है या पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ रखा है या ऐसे कुछ भी लगता है आपको अंदर से कि हाँ ये हैंडल कर लूँगा मैं एक पेपर अब किस बच्चे का दोनों पेपर तैयार है फंस गए दूसरा पेपर तैयार नहीं है डेढ़ महीना तो गया नहीं कोई कहे इतना लंबा चौड़ा सिलेबस जो UPSC का पुराना सिलेबस है उसको मैं डेढ़ महीने में पूरा सब्जेक्ट तैयार करना है तो मतलब दिन में अगर 8 घंटे पढ़ते हो वो भी कम है एक सब्जेक्ट तैयार करने के लिए अगर मुझे एज पर सिलेबस तैयार करना है मानते हो कि नहीं ठीक है ना लेकिन एक मजे की बात बताता हूँ मैं आपको ध्यान से सुनना बड़ी पॉइंट है सोशोलॉजी मेरा सब्जेक्ट है एक बच्चा मेरे पास आया जी सर मैंने तो सिलेबस नए सिलेबस से कर रखा है कि नए सब्जेक्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हिसाब से स्वेट मैंने तैयार कर रखा है तो मैंने पर उसको कहा मैंने कभी पुराना सिलेबस है तो अच्छी सोशोलॉजी में तो डिफरेंट है सिलेबस तो मैंने उसको सिलेबस की कॉपी पकड़ाई एक में देख जरा तो वो उसने 15-20 मिनट आधा घंटा देखा एंड सेट की तो बहुत डिफरेंट है मैंने कहा ठीक है रुक जा डिफरेंट है ना यदि हाँ जी पक्का डिफरेंट है मैंने 14 का सोशोलॉजी का पेपर हाथ में पकड़ा दिया मैंने कहा आप इसको देख उसने सारा पेपर देखा सर ये तो सारा हो रहा है मैंने कहा आप किसको फाड़ना है ये 2014 का पेपर फाड़ेगी या ये सिलेबस फाड़ेगी क्या किस सिलेबस मैं कहा फाड़ और गाल क्योंकि अगर सिलेबस पकड़ के तैयारी करने लग गए फिर तो कहीं और ही पहुंच जाएंगे पेपर में क्वेश्चन वही आने हैं
तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जब भी आपने एचसीएस मेंस की तैयारी करनी है, स्पेशली एचसीएस में लागू होती है, आपको सिलेबस नहीं तैयार करना, आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन तैयार करना। आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन तैयार करने हैं कि अगर जनरल स्टडीज कर रहे होते आप, तो जनरल स्टडीज में 7 एरियाज डिमार्केटेड हैं, तो 7ों के आपके पास आइडिया होना चाहिए कि मैंने इस टॉपिक में से इतने 15 क्वेश्चन ये करने हैं और ये करना है। देखो कुछ भी लिखा होगा तो सिलेक्शन नहीं होने की पक्की बात है, दिस इज सिविल सर्विस एग्जाम। मैंने सपोज मॉडर्न इंडिया है, सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ बस, चाहे क्वेश्चन आए हों चाहे ना आए हों पास्ट में, मॉडर्न इंडिया है, मैंने उसके 50 क्वेश्चन टारगेट बना लिया करूँगा मैं, मैंने 50 क्वेश्चन एवरेज तैयार करके रख लिए, रिमोट क्वेश्चन भी कर लिए कि फलाना हो जाए तो क्या क्या पता ये भी आ जाए, क्या पता ये भी आ जाए, क्या पता ये भी आ जाए। दूसरा बच्चा ने 25 क्वेश्चन तैयार किए बस, लेकिन दबा के थोप के बिल्कुल कि हाँ आ गया तो चेप देना। किसकी सिलेक्शन होनी है? इसकी होनी है। अब आप कहो कि रिस्क तो इसका काम है, कोई काम नहीं है, ये यूज करना कि यह रहना है इतना कि वो हमारा एक्सपीरियंस काम आता है यार, ये आना बस इतना उतना कैलकुलेटेड रिस्क लेकर चलना पड़ता है। अगर आप पैनिक में आओगे कि अरे यार सर ने 25 क्वेश्चन बताए हैं आने को तो ये भी आ सकते हैं, मैं कहूँगा भैया फिर तो 25 और ले जाए, मेरे से 75 कर ले, मेरे पास तो और भी टेंशन है, तेरे को तो अगले 25 की टेंशन है, मुझे तो अगले 100 की टेंशन है, मेरे दिमाग में तो 100 क्वेश्चन हो रहे हैं कि ये भी आ सकते हैं, तू देख मैं कितनी टेंशन सह रहा हूँ और तेरे को 25 बता रहा हूँ। लेकिन अगर आपको एग्जाम की समझ है, कमीशन की समझ है, तो आप इजीली डिलीट कर सकते हो कि यार ठीक है मुझे इतने क्वेश्चन तैयार करने हैं। लेकिन बात क्वेश्चंस की नहीं है, बात नंबर ऑफ क्वेश्चंस की नहीं है, बात अप्रोच की है कि आपकी पढ़ने की अब डेढ़ महीने की अप्रोच क्या है। द थिंग व्हिच आई एम गोइंग टू पॉइंट आउट, करने को 25 कर लो, 35 कर लो, लेकिन अप्रोच क्या है आपकी? आप एक वे किताब लेके बैठे हो, उसको रीडिंग दे दी पूरी, या आपको दिमाग में है कि यार मैंने ये 15 टॉपिक तैयार कर दिए, इसमें से मैंने ये क्वेश्चन आया, बाकी अगर इसके अलावा आ गया बना के लिखा। ऐसे नंबर आएंगे, तो पहला स्टेप तो आपका है कि आपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का अपना चार्ट बना लिया है कि मेरी जनरल स्टडीज में बना लो इसको, अपने पास जनरल स्टडीज में क्या है, इंग्लिश, हिंदी, ऑप्शनल 1, ऑप्शनल 2, ठीक है। अब जनरल स्टडीज में आपकी क्या स्ट्रेंथ्स है, कौन कौन से एरियाज, वीकनेस कौन से एरियाज, इंग्लिश कितनी कर रखी है आपने, स्ट्रेंथ में आती है वीकनेस में आती है, हिंदी स्ट्रेंथ में आती है वीकनेस में आती है, ऑप्शनल 1, ऑप्शनल 2 किस में आता है, कितने बच्चों ने हिंदी तैयार कर रखी है, हिंदी पेपर आसान नहीं आता, क्वालिफाई करना आपको मुश्किल हो जाता है। हिंदी अगर हिस्ट्री में देखूं तो आई हैव सीन नंबर ऑफ गुड स्टूडेंट्स फेलिंग इन हिंदी, और इंग्लिश या हिंदी क्वालिफाई अगर नहीं हुआ तो आगे पेपर चेक नहीं होंगे आपको, क्या इसमें ऐसा अभी इन्होंने खत्म कर दिया, मिनिमम मार्क्स तो होते ही हैं, मैं तो कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, आपको पॉइंट आउट क्या कर रहा हूँ, कई बार पेपर इतना मुश्किल है कट ऑफ भी नहीं होती अगर हम लाइटली ले लें, पॉइंट आउट में ये कर रहा हूँ। पॉइंट आउट में ये कर रहा हूँ कि उसको लाइटली ना लिया जाए,
अब हिंदी नहीं तैयार की थी किसी ने, और स्पेसिफिकली इंग्लिश किसने तैयार की है? इंग्लिश में भी अपने आप में बन नहीं आ जाते, आपको पता नहीं बात, किसी को गलत फहमी तो नहीं है कि इंग्लिश इनका क्या है? चलो तो कराएंगे पेपर में, सबको क्लियर नहीं बात कि पेपर दो ये सबसे डिसाइडिंग पेपर ही दो होते हैं ये, जहाँ मतलब कहीं ना कहीं डिफ्रेंशिएट होता है जो बच्चे सिर्फ सिविल सर्विसेज दे रहे हैं और जो हरियाणा की तैयारी कर रहे हैं, जो सिर्फ हरियाणा की तैयारी कर रहे हैं कहीं ना कहीं वही 30-40 नंबर का यहाँ एज ले सकते हैं। चलो बाद में करते हैं बात। तो आप ये बेसिकली आपकी प्रायोरिटी, ये चार्ट आपका एक प्रायोरिटी लिस्ट क्रिएट करेगा, ठीक है ना? उस प्रायोरिटी लिस्ट को मेरे लेक्चर के साथ कंपेयर करना है आपने कि भाई मेरे वीकनेसेस कहाँ पे हैं और हरियाणा के एग्जाम में ये चीज़ कितनी सिग्निफिकेंट है, तो उस हिसाब से फिर आप अपनी वीकनेस, उन वीकनेसेस को पहले उठा सकते हो जो मैनेजेबल है। तो मेरी बात देखो, अगर मैं इन पांचों एरियाज ऑफ प्रिपरेशन की एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाऊं, समझो ध्यान से प्रायोरिटी लिस्ट बनाऊं, तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी मेरी क्या है, मेरा क्या तैयार होना चाहिए? एग्जैक्टली दोनों ऑप्शन, ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। ऐसा क्यों? रीजन भी लिखना साथ में, व्हाई दिस इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी, नॉट बिकॉज की 300 नंबर के, नॉट बिकॉज 300 नंबर के हैं ये, द रीजन इज कि क्वेश्चन इस तरह से आते हैं दोनों ऑप्शन में, यू कैन इजिली हैंडल। आपने अगर सब्जेक्ट ठीक ठाक रखा हुआ है, हरियाणा के हिसाब से रखा हुआ है सब्जेक्ट, हरियाणा के हिसाब से सब्जेक्ट रखा हुआ है, ये मेरी कोट एंड कोट लाइन यूज करें, हैं किसी मिस एडवेंचर की आप उसमें नहीं हो, इच्छा में नहीं हो कि मैं फलाना मैथ रख लेता हूँ, मैं तो सारे के सारे नंबर 150 के 150 नंबर आ जाएंगे, ऐसी गलत फहमी अगर आपने नहीं पाली हुई, उसकी भी लिस्ट है कोई, वो हम है ना लिस्ट उसकी वो अलग बात है, वो देख लेंगे, मैं है। तो अगर आपने रिजनेबल सब्जेक्ट्स रखे हुए हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि क्वेश्चन इतने ठीक आते हैं कि आप सारे के सारे अटेम्प्ट कर सकते हो, अगर आपने कम भी पढ़ा। जीएस में कोई फायदा नहीं था जो पेपर एचसीएस में आता है, इसको तो निकाल के साइड पे कर, आप सुन रहे मेरी बात? जैसे मैंने अभी एग्जांपल आपको सोशियोलॉजी का दिया है कि मैंने बच्चों को पेपर दिखाया एंड शी सेड कि मेरे को सारे आते हैं क्वेश्चन, ये उसका नहीं है सबका है। तो सोशियोलॉजी, पब्लिक एड, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं कि अगर आपने कम भी पढ़ा है, अगर आपने सपोज 35 क्वेश्चन तैयार कर दिए या 40 क्वेश्चन तैयार कर दिए, उसके अलावा भी दो क्वेश्चन और आ गए तो आप कराओगे, बहुत मुश्किल पेपर नहीं आता ऑप्शनल का, ये हिस्टोरिकली रहा है हमेशा में, क्योंकि पेपर सेट करने वाले भी उसी तरह के लोग हैं, उनके उनके डिक्शनरी में और क्वेश्चन है ही नहीं, जैसे चेक करने वाले हैं वैसे भी सेट करने वाले भी हैं, कोई वो ऐसा नहीं है कि बड़ी हाईफाई जगह से सेट करवा रहे हैं पेपर कि भाई चेन्नई यूनिवर्सिटी जा रहा है, टेक होने सेट होने या डी यू जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं, सेट करने वाले भी वैसे ही हैं, तो वो उतने ही क्वेश्चन सेट करते हैं, उससे आगे उनकी डिक्शनरी में क्वेश्चन है ही नहीं। तो इसलिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी आपकी है दोनों ऑप्शन को कंट्रोल में जाना, 150 नंबर है, एनफ चॉइस है इसके अंदर, सबसे अच्छी बात है ना, पहला क्वेश्चन कंपलसरी, बाकी आपको चार क्वेश्चन और करने हैं, तीन में से दो, तो चॉइस है आपका पास एक क्वेश्चन, दैट मीन्स अगेन दैट बिकम्स अ रीजन फॉर स्ट्रेसिंग ऑन ऑप्शनल, और एक क्वेश्चन के तीन तीन पार्ट है ना जी, तो इस करके छोटे छोटे क्वेश्चन लिखने होते हैं, तो इतना तो वैसे बंदा लिखाता है। ठीक है जी, तो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर कि पहली प्रायोरिटी आपकी ऑप्शन दोनों तैयार कर ली है, एंड व्हाट इज द स्ट्रेटजी ऑफ प्रिपेयरिंग ऑप्शन, स्ट्रेटजी ऑफ प्रिपेयरिंग ऑप्शन यू विल लिख लो साथ में, नंबर वन यू हैव टू go by and see identification of the expected question, कि भाई ये क्वेश्चन पेपर वन में मेरे एक्सपेक्टेड है, ये क्वेश्चन पेपर टू में मेरे एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की लिस्ट बनेगी
और वही क्वेश्चन आके आंसर तैयार किए। डोंट नेवर नेवर थिंक ऑफ कंप्लीटिंग द सिलेबस। ठीक है, इसमें आपको ऑप्शन अगर इतने कम टाइम में तैयार करना, यू हैव टू टेक प्रोफेशनल हेल्प। कोई ऐसा टीचर आपके सर्कल में होना चाहिए जो आपको वो क्वेश्चन बता दे या सर्टिफाई कर दे कि हाँ इतने क्वेश्चन तैयार करें। ठीक, नंबर टू, यू हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग इन ऑप्शनल फ्रॉम हरियाणा पॉइंट। कि अगर हरियाणा के पेपर आप देते हो तो आपको किस तरह से आंसर लिखने हैं, किस लेवल के लिखने हैं, किस टाइप की लैंग्वेज यूज करनी है, किस तरह के एग्जाम्पल्स। ठीक है, डेली आज से लेके एग्जाम तक अगर आप 2 से 3 घंटे डेली ऑप्शन को लगाते हो तब ये टारगेट अचीव इन एवरेज टर्म्स हो सकता है कि 2 से 3 घंटे डेली आपको ऑप्शन को लगेगा। 2 to 3 hours investment of time is must. Fourth, preferred options. अगर आपने कोई particular preferences नहीं है, preferred options are sociology, history, public administration, political science. ये 4 options सबसे ज़्यादा preferred हैं इन हरियाणा। अगर आपने non-risky तरफ जाना है, इसके अलावा आपने किसी भी option में graduation, post graduation कर रखी हो and you are you feel comfortable with it, तो आप वो रख सकते हो। एनी एग्जाम्पल, किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, मास्टर्स कर रखी है, ग्रेजुएशन भी करी होगी, एग्जाम यूपीएससी का भी दिया है, लास्ट ईयर एचसीएस मेंस भी था लास्ट टाइम। तो क्या रहा ज्योग्राफी में स्कोर? 68 सर। ठीक है, 68 150 में से हो गया एक्सीडेंट। देखो डेट ज्योग्राफी एक ऐसा ऑप्शनल है कि आपको 150 में से अगर आपके 100 110 आते हैं तब बात बनती है, अदर किसी भी ऑप्शन में अगर हरियाणा में आपके 100 110 नंबर आ रहे हैं तभी बात बनती है। और देखो हमेशा हरियाणा में जनरली हिस्टोरिकली मैं तो बात करता हूँ, है ना, सब ठीक है, प्रिपेयर्ड है। जब मैं कहता हूँ ज्योग्राफी, अगर HPSC चाहती है कि आपको क्वेश्चन ना आए तो इट इज़ वेरी इजी टू डू थिंग इन ज्योग्राफी। इट इज़ वेरी, जो भी टेक्निकल या सेमी टेक्निकल ऑप्शन होते हैं वो हमेशा एक रिस्क पे होते हैं, क्योंकि याद बहुत करना पड़ता है उसमें। आप देखो तो आप 4 + 12 = 16 क्वेश्चन बन गया, आपके 16 बन गए ना, एक क्वेश्चन का 3 पार्ट है ना ऑप्शन, तो 4 × 8 = 12 तो 12 क्वेश्चन बन गए, तो 12 क्वेश्चन याद करने हैं आपको, हाँ 2 2 क्वेश्चन। अगर आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं गो अहेड विद इट, कि ठीक है मेरे सिलेबस तैयार है मेरा सारा। लेकिन अगर किसी ने नया रखना हो ऑप्शनल, और कोई किसी ने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में किया हो, यूपीएससी में ना कराओ, यूपीएससी में तो नहीं करा लो लॉ, तो देखो मैं इट बी वेरी रिस्की, कितना टाइम आप लॉ में लगाओगे उतने टाइम में तो दूसरा तैयार होगा। देखो लॉजिकल बात ये, बाकी तो आपकी मर्जी है जो आपने करना है, लेकिन लॉ में अगर आप सोचते हो कि 2-3 घंटे डेली लगा के लॉ जुलाई तक आप लिखने लायक कुछ हो जाओगे विदाउट दी हेल्प ऑफ बुक्स, इतना याद करना पड़ेगा सर। लॉ में सर पेपर बहुत प्रेडिक्टेबल सर, पैटर्न सर बन रहा है, आई हैव लॉ एज वेल। भाई देख लो भाई, मैं तो ये देखता हूँ कि पिछले 20 साल में कितने बच्चे लॉ से बने। सर लॉ में अपना जहाँ तक मैंने 2-3 रिसर्च किया था वो ऐसे भी सुनने आया सिर्फ कुछ सब्जेक्ट है जिनमें 140 प्लस स्कोर्स भी आए हैं। नहीं वो आए नहीं, सिलेक्शन रेट की बात है। आपने तैयार कर रखा है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से लॉ क्वेश्चन आंसर लिखने की पोजीशन में हो तो बात अलग है, लेकिन आपने सिर्फ एलएलबी कर रखी है और सोचते हो कि अब मैं महीने में लॉ तैयार कर लूंगा तो थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। दूसरा क्या? सोशियोलॉजी सर, कॉमर्स के बारे में प्लेन यूपीएससी का करा, यूपीएससी करा दो। ठीक है सर, कॉमर्स के बारे में आपका क्या?
तीन महीने हो तो आई कैन गो विद रिमेंबर वन थिंग यार, मेरी स्ट्रेटजी या मेरी बात इस चीज़ से ली जानी चाहिए कि मेरे पास एक महीना है बस। अगर यही मेरे पास तीन महीने होते तो मेरी स्टेटमेंट बहुत डिफरेंट होती है। तीन महीने होते, चार महीने मेरे पास होते तो मेरी स्टेटमेंट बिल्कुल बदली हुई होती। मेरे को तो ये देखना है एक महीने में क्या मैं वो सारा कुछ याद कर सकता हूँ। सॉरी पेपर लिख के आ जाऊँ 12 क्वेश्चन, आपको तो बस छोटा सा ये हो सका है। और हमें तो सिलेक्शन से मतलब है, आपको भी सिलेक्शन से मतलब है। आपको इससे तो मतलब नहीं कि लॉ से हुए, ज्योग्राफी से हुए, हिस्ट्री से हुए, इकोनॉमिक्स से हुए, आपको किस चीज़ से मतलब है? सिलेक्शन से। तो प्रैक्टिकली आपने ये देखना कि एक महीने में क्या मैं उस कॉम्पिटिटिव लेवल पर आ जाऊँगा याद करके विदाउट डैमेज टू अदर प्रायोरिटीज। क्योंकि अल्टीमेटली आपने फर्स्ट प्रायोरिटी आपके ऑप्शनल है, तो आपके पास 2 से 3 घंटे हैं सपोज, है ना? तो उतने में देखना कि हाँ आपने पास्ट में इतना अच्छा पढ़ रखा है कि अगर मैं 2-3 घंटे भी लगाऊं तो आई कैन डू दिस। इतने क्वेश्चन मेरे बनते हैं, जैसे ये कह रहे हैं कि प्रेडिक्टेबल सा पेपर है, इतने 50 क्वेश्चन निकाल लिए इन्होंने। अगर 50 क्वेश्चन इन्होंने तैयार कर लिए तो पेपर आ गया नीचे पाए। दिस वन फैक्टर। सेकंड फैक्टर मैं देता हूँ कि अगर 50 में से 2 क्वेश्चन परे आ गए तो क्या मैं कुछ लिख सकता हूँ उस पर? इतना मेरा लेवल है कि कुछ ना कुछ मैं वहाँ पर खाली नहीं छोड़ जाऊँगा। बस ये 2 चीज़ों पर हम डिपेंड करता है डिसीजन। बेहद लॉजिकली विदाउट एनी इमोशन, विदाउट एनी बायस। मुझे तो 150 में से आपके 210 नंबर चाहिए, तो 300 में से 100 तो लेके आना ही है ना, 150 में से 100 प्लस तो करना ही, तभी कुछ बनना है, ये तो बनना ही कुछ नहीं। अल्टीमेटली सिलेक्शन के लिए गेम खेलनी है। मतलब एक अगर रिस्की, थोड़ा सा रिस्की ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, लॉ, साइकोलॉजी, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, ऑल इंजीनियरिंग, इसको हम रिस्की जोन में रखते हैं रहना के लिए। क्योंकि मेरे जहन में सिर्फ लास्ट पेपर नहीं होता, मेरे जहन में 20 साल की हिस्ट्री है। तो हमारे सामने आके बच्चे रोते भी रहे हैं, हंसते भी रहे हैं, तो हमें वो हमारा एक्सपीरियंस बना हुआ है लॉन्ग टर्म का कि क्या क्या ब्लड फेयर हो जाते हैं कहीं पे, तो हम तो उस बेस पे बोलते हैं नहीं, है ना? अगर मैं पिछला जीएस का पेपर देखूं तो मैं तैयारी मेरी किसी और डायरेक्शन की है, तो उसके देखो। अगर मैं उसके पिछला पेपर देखूं जीएस का, मेरी तैयारी किसी और डायरेक्शन की है। अगर मैं उससे पिछला देखूं तो किसी और डायरेक्शन की है। तो हम अगर जीएस तैयार करने की कोई स्ट्रेटजी देंगे तो हम तो एक नॉन रिस्की स्टडी स्ट्रेटजी फॉलो करने की बात करेंगे, जो सिर्फ एक पेपर के ऊपर बेसिस नहीं होती। कल को क्या आ जाए क्या पता है, दूसरे पिछले बार वाला पेपर आना गया। अब तो रिस्क कवरेज कैसे होनी है, हेजिंग कैसे होनी है, चलो आप इंडिविजुअल लेवल पे डिस्कस कर सकते हो कोई भी अपने ऑप्शन की समस्या। लेकिन मैंने मोटी सी आपको गाइडलाइन दे दी कि अगर पॉसिबल हो ये 4 ऑप्शन इसमें से 2 रखो, चुप पकड़ के निकालो, या इनमें से 1 रखो, 1 हफ्ता रखो, काम करो। समझा की बात? ठीक है, नंबर 2। नाउ सेकंड प्रायोरिटी इज माय हिंदी। इंग्लिश में तो फिर भी हाथ पैर चल जाते हैं, हिंदी में बिल्कुल नहीं चलते अगर तैयारी नहीं करी हुई। तो हिंदी को आपने सेकंड प्रायोरिटी पर रखा है कि हिंदी अच्छे से होनी चाहिए। कि 100 में से अगर 55-60 का मेरा टारगेट बन रहा है तो मतलब ठीक है, 100 में से अब 40 का आ गया आपका, 35 पर बैठे हो आप, तो बात नहीं मिलती ना। 75 भी आए लेकिन वो एक्सेप्शनल है, वो जेन्युइन आए हैं, डुप्लीकेट आए हैं पता नहीं। पर मैं कहता हूँ 55-60 एक ऐसा नंबर है हिंदी में, बहुत ज़्यादा उड़े ना हवा में कि 90 आ जाएंगे हिंदी है तो क्या है, बहुत मुश्किल है नंबर लेना। गलतियाँ हमारी इतनी, मिस्टेक्स हम करते हैं ग्रामेटिकल कि
ये आदत ही हिंदी लिखने की भाई, मात्राएं फलाना ढिमाका वही नहीं याद रहती। और वो जो इंग्लिश का प्रोफेसर चेक कर रहा पेपर आपका, ही इज वेरी सेंसिटिव टू ग्रामेटिकल एरर्स, पंक्चुएशन मार्क्स, स्पेलिंग्स। ये नहीं कि पेपर आता नहीं होता, प्रॉब्लम क्या आती है वहां गलतियां बहुत होती हैं, लिखा नहीं जाता प्रॉपरली क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है, तो गलतियों से नंबर कटते हैं। लिख तो आप आते हो 80% पेपर तो कराओगे, लेकिन नंबर आने हैं 30-35, और पेपर ज्यादा नंबर कैसे आने हैं जब तक आप लिखने की प्रैक्टिस नहीं करोगे। इंग्लिश की हम सबकी लिखने की प्रैक्टिस होती है, तो एटलीस्ट उसमें ग्रामेटिकल एरर या वो एरर्स नहीं होते, वो आने पर निर्भर है। तो ठीक है, आपने 100 में से 80 नंबर का कराए तो आपको 50-55-60 नंबर तो आ सकते हैं, लेकिन हिंदी में ड्यू टू एरर्स नंबर साफ हो जाते हैं। और फिर एरर जब आपके पेपर में होते हैं उसकी कोई क्वांटिफिकेशन नहीं है। अब एक लाइन में अगर आपके 3 एरर हो गए, एक एग्जामिनर उसका आधा नंबर काटेगा, दूसरा डेढ़ काट सकता है, दूसरा तीसरा जीरो भी दे सकता है, कोई रोक है उसके ऊपर? अगर कोई खड़ूसा एग्जामिनर आ गया चेक करने वाला, उसने नंबर काट दिया सारा, और पता लगे थोक में 35-33 नंबर आते होंगे, ऐसा भी हो चुका है। समझे मेरी बात? तो डिपेंड करता है एग्जामिनर पे कि वो कितने नंबर काट रहा है आपके ऑफ फॉर एरर्स, तो वहाँ वेरिएशन आ जाती है। तो इसलिए प्रैक्टिस इज मस्ट, सो दैट यहाँ पे मेरे एटलीस्ट ग्रामेटिकल एरर और मैं लिख पाऊँ ठीक ठाक। इसको लाइट ही दूंगा, इसको प्रैक्टिस, द प्रैक्टिस रिटन प्रैक्टिस इज मस्ट, कि डेली हिंदी का एक पेज आपने लिखना। जो सब्जेक्ट मैटर है वो तैयार हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिस तो आपको करनी है ना, डेली 1 पेज ऑफ राइटिंग पेपर। चाहे आपके किसी ब्रदर सिस्टर किसी को बोल दो कि ये ले हिंदी का अखबार, तो बोलता जा मैंने लिखना डिक्टेशन टाइम, आप बस वो लिखो फिर उसको दे दो कि आप तू पेपर में से जहाँ से बोला था वहाँ चेक करते हैं इसकी कितनी गलतियाँ निकली मेरी। सिंपल मेथड लगेगा बचकाना आपको, लेकिन इस मेथड को यूज करके बहुत लोगों ने नंबर लिए लास्ट 20 साल में। कुछ नहीं करना, 5 मिनट लिखना है कि बोलता जा आपने किसी फ्रेंड को या अपने ब्रदर सिस्टर को, फिर उसको अपना कागज उसको पकड़ा देना क्या तू उससे कंपेयर करके इसमें गलतियां नोट करते, धीरे धीरे आप देखो वो साफ होता जाएगा आपका हाथ, और वो आपके 15-20 साल नंबर ऑफ गेम है कि 15 नंबर 20 नंबर आप गेम कर दोगे इसी सिर्फ एक्सरसाइज, अगर आपने पेशेंस है, अगर बनने का दम है। थर्ड प्रायोरिटी आपकी है इंग्लिश, आगे इंग्लिश में कैसे प्रायोरिटाइज करना ये टीचर रेलेवेंट बताएगा कि ग्रामर पे कितना स्ट्रेस देना है, उस पर कितना स्ट्रेस देना है। लेकिन प्रैक्टिस अगेन इस बस प्रेस से लिखनी है, ये लिखना है, लेटर एक आया सपोज आता है या कोई भी आता है कुछ भी आता है उसके अंदर, वो प्रैक्टिस का खेल है, मुश्किल नहीं होता नंबर लेने मुश्किल होता, इंग्लिश मुश्किल नहीं है बहुत, नंबर लेने मुश्किल क्योंकि वो एरर्स की वजह से। लेकिन थर्ड प्रायोरिटी पर हमारी इंग्लिश। अब इंग्लिश और हिंदी पे आप अगेन 2-3 घंटे डेली लगाने हैं, 10 में से 8 बच्चे एक ही गलती करते हैं कि ऑप्शन तैयार करना है, ऑप्शन तैयार करना है, जीएस तैयार करना है, लैंग्वेज पीछे छुटती जाती है, लैंग्वेज लास्ट हफ्ते के लिए लास्ट 10 दिन के लिए छुटती जाती है, जबकि लैंग्वेज एक ऐसी तैयारी है कि डेली काम करना है, यू हैव टू प्रैक्टिस डेली फॉर लैंग्वेज, एटलीस्ट 2 आवर्स आप लगा के चलो इंग्लिश और हिंदी कंबाइंड के। मतलब अगर आप 2-2 घंटे आपने आज के बाद लगा दिए लैंग्वेजेस को, आप इफेक्टिवली यू कैन से एक्सपेक्ट कि आप एटलीस्ट 25-30 नंबर यहाँ गेन करते हैं, 25-30 नंबर का प्लस है। बिल्कुल जैसे इलेक्शन नहीं होते, गेम वैसे खेली जाती है मेंस की कि कहाँ मुझे प्लस मिल रहे हैं, अगर मैंने यहाँ पे लगा दिया कितने प्लस मिल सकते हैं मुझे, अगर यही टाइम मैंने जीएस में लगा दिया तो यहाँ कितने प्लस मिल सकते हैं, और यही स्ट्रेटजी है, जिसका चल गया जादू उसकी सिलेक्शन हो गई, जिसका नहीं चला वो रह गया, इसकी स्ट्रेटजी गलत हो गई, इंटेलिजेंस आ रही है। क्योंकि कहीं अब एक बच्चा जीएस को पकड़ के बैठ गया, ऑप्शन को इग्नोर कर दिया, हो गया प्लस प्लस उसको मैंने, क्योंकि पेपर में जब जाएगा जीएस करने उसको लगने मिलने ही कुछ नहीं। समझाइए बस। अब लास्ट प्रायोरिटी है मेरी जनरल स्टडीज, चौथी प्रायोरिटी।
चौथी प्रायोरिटी है मेरी जनरल स्टडीज। अब जनरल स्टडीज में सेक्शन लिखो जरा, इसमें इन्होंने मेंशन किया हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड इंडियन कल्चर, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड इंडियन कल्चर। आप सबने पेपर देखा होगा क्या, 2014 का 2011 का पेपर देखा, क्या रिएक्शन है, भावनाएं क्या कहती हैं? जहाँ लिखी हुई है वहाँ है 200 वर्ड्स 40 वर्ड्स 100 वर्ड्स फिक्स है। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड इंडियन कल्चर, नंबर टू इज ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, नंबर थ्री इज इंडियन पॉलिटी, नंबर फोर इज करंट नेशनल करंट अलॉन्ग विद टॉपिक्स ऑफ सोशल रेलेवेंस, नंबर फोर्थ, नंबर थर्ड इज इंडियन पॉलिटी जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला ना पार्ट, नंबर फोर्थ इज करंट नेशनल इश्यूज एंड टॉपिक्स ऑफ सोशल रेलेवेंस। ये पार्ट वन के चार टॉपिक हो गए है ना, सिलेबस में पार्ट टू है आपका, लेकिन पेपर के अंदर पार्ट वन पार्ट टू की कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, सिलेबस में पार्ट वन पार्ट टू का रखा। तो पांचवा आपका आता है इंडिया एंड वर्ल्ड, इंडिया एंड वर्ल्ड स्लैश इंटरनेशनल अफेयर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, ये मैंने कंबाइन कर दिए दो टॉपिक, इंडिया एंड द वर्ल्ड स्लैश इंटरनेशनल अफेयर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, ये हो गया आपका पांचवा। छठा हो गया आपका इंडियन इकोनॉमी, डाला सब कुछ है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी नेक्स्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड लास्ट वन इज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ग्राफ्स एंड डायग्राम्स। ये आपके साथ साथ ही बन गए ना, आठ है, आठ हो गए। तो पेपर में आपके सात क्वेश्चन आने, सेवन क्वेश्चन एंड ईच क्वेश्चन विल कैरी थ्री पार्ट्स है ना, each question will carry three parts, छह क्वेश्चन आपके 15 नंबर ईच के आने, 15 नंबर के आने तो टोटल, पर एक क्वेश्चन आना 10 नंबर which will make general studies for 100 marks, 15 into 6 90 plus 10 100, ठीक है जी। अब presumably हर क्वेश्चन के खाते में एवरेज एक क्वेश्चन आता है, हर सेक्शन के खाते में चाहिए ये कि हिस्ट्री पे एक क्वेश्चन हो गया 15 नंबर का, एक पॉलिटी पे हो गया, एक ज्योग्राफी पे, एक ऐसे आना चाहिए। लेकिन अगर मैं 2 साल के ऊपर एनालाइज करूँ तो ऐसा नहीं है, अगर दोनों साल में क्या हिस्ट्री और पॉलिटी का कंबाइन सा कर रखा उन्होंने वेग सा, ऐसा तो कुछ मतलब बड़ी बड़ी वेग सी क्लासिफिकेशन है ना, हिस्ट्री और पॉलिटी को वो कंबाइन कर देते हैं क्वेश्चन में, ऐसा नहीं है कि पहले हिस्ट्री का अलग क्वेश्चन आ रहा है 15 नंबर का पॉलिटी का अलग से आ रहा है, ऐसा नहीं, हिस्ट्री पॉलिटी इकट्ठा कर दिया, ठीक है। फिर ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के अंदर एक बड़ी वेग सी इंटररिलेशनशिप है कि वो क्वेश्चन कोई ज्योग्राफी का है या एनवायरनमेंट का ही पता लगता है। इसी तरह से आप अगर इकोनॉमी के क्वेश्चन एनालाइज करोगे तो एक क्वेश्चन इकोनॉमी का लग रहा है, दूसरा कहीं और ही लग रहा है, मतलब अगर आप खुद पेपर 2 साल के उठा के देखोगे थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे आप, यार मैं पढ़ूं क्या, मैं पढ़ूं क्या। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक अब देखो ना क्वेश्चन आया, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड पावर फॉर ऑल 24/7 इन इंडिया विच इज द बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन मेथड, गिव रीजंस 200 वर्ड, क्या पढ़ोगे इसके लिए, मैं तो नहीं पढ़ाऊंगा ये,
मेरी मेरी फहरिस्त में ये बहुत पीछे आती है चीज़, ये तो आपको अपने आप ही लिखना है अपने दिमाग से। दूसरा क्वेश्चन पूछा इसी पार्ट में, डिस्कस द एसेंशियल स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग इंडिया डिजिटल। तीसरा क्वेश्चन फिर 40 वर्ड्स ईच के आपको चार लिखने हैं, उसमें न्यूक्लियर एनर्जी, डिजी लॉकर, डिजिटल डिपोजिटरी, स्मार्ट सिटीज, कॉल ड्रॉप, बुलेट ट्रेन। अब ये जो टिपिकल क्वेश्चन है किसका, इकोनॉमिक है, ज्योग्राफी का, करंट का, तो बता सकता हूँ जनरल है किस, मतलब आप कह रहे हो करंट इश्यूज, इश्यूज ऑफ करंट इंपॉर्टेंस में से। यस सर, तो अगर ये क्वेश्चन इश्यूज ऑफ करंट इंपॉर्टेंस में से, तो सारे क्वेश्चन चौथे पार्ट में से आते हैं मोस्टली। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ किस सेक्शन का पार्ट है, उसको ज्योग्राफी का लूँ मैं, इकोनॉमी का लूँ, करंट में लूँ, किसमें लूँ, करंट में कहाँ ही है डिजी लॉकर, दैट इज 40 वर्ड्स, वो तो मान ली बात करंट का, लेकिन डिजी लॉकर करंट में है या इकोनॉमी में है, करंट भी तो किसी सेक्शन में होता ना, करंट भी जो कोई करंट की न्यूज़ है वो भी तो किसी पार्ट में आएगी ना, कि इकोनॉमिक करंट है ये, पॉलिटिकल करंट है जी ये, है टेक्नोलॉजी का करंट है ये, किसी तो पार्ट में होगा। ये क्वेश्चन मैं किस पार्ट में डालूं, स्कीम में डालूं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है स्कीम में डालूं, मान ली बात है तुम डालो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अच्छा जी, अब चौथा क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज पोलियो, इनुमरेट एटलीस्ट 4 स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू इरेडिकेट पोलियो, ठीक। सेकंड पार्ट है इसका, हाउ टू इंक्रीज न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ ए क्रॉप। अब ये किस पार्ट का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो आपके अंदर से आवाज आ गई ना, पक्का तो नहीं है ना, अंदर भी कंफ्लिक्ट कर रहे हैं ऑर्गन्स, किडनी कहीं और खींच रही है, गुर्दा कहीं और कुछ खींच रहा है, दिमाग का नहीं हो रहा है कि कहाँ डालूं उसको। टिपिकली ये साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, देखा है न्यूट्रिशनल वैल्यू साइंस का क्वेश्चन है ना, पोलियो व्हाट इज पोलियो साइंस के अंदर डिजीज के पार्ट में आता है और कहीं नहीं आता, जब पूछ लिया उन्होंने व्हाट इज पोलियो, तो इसका साइंस मतलब ये भी एसएनटी का क्वेश्चन है। और शॉप देख लो, छवा क्वेश्चन ऐसे नहीं रखा मैंने यहाँ पे, इसकी स्ट्रेटजी भी दूंगा मैं तैयार कैसे करूंगा, लेकिन उसके लिए रियलिटी आपको समझनी जरूरी है कि अगर आप हमारे पास पढ़ रहे हो, हम एक चीज करा रहे हैं तो उसको प्लेस करना है, कैसे प्लेस करना है। हमारे पास 2 घंटे डेली आप लगाओगे जीएस मेंस के, हमने तो एक स्टेप पैटर्न से कराना है, ये इस तरह का पेपर तो कोई भगवान भी प्रोडक्ट नहीं कर सकता, ये तो आर्बिट्रेरी है। चलो जी एक और एग्जांपल दे देते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, वो कहते हैं डिस्कस नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पॉलिसी फॉर K-12 एजुकेशन इन कंट्री, हाईलाइट चैलेंजेस फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन। सेकंड पार्ट है इसका, राइट ब्रीफली ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन सिस्टम, नो डिटेंशन पॉलिसी, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन यूनिवर्सिटीज बिल। अब ये सारा का सारा क्वेश्चन एजुकेशन का है, और एजुकेशन कहाँ पे है, कहाँ है एजुकेशन वर्ल्ड पेंशन, नहीं जो सिलेबस है वो कहीं नहीं मेंशन, खोल के देख लो वहाँ एजुकेशन वर्ड मेंशन है कोई, कि 15 नंबर का क्वेश्चन आ जाए उस पर, खोलो सिलेबस देख लो कहीं एजुकेशन वर्ड नहीं है, तो इसका मतलब हुआ ये क्वेश्चन करंट का है, तो नेशनल जो करिकुलम फ्रेमवर्क बन रहे थे ठीक है ना, तो करंट का क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी क्या ये डिजर्व करता है कि 15 नंबर क्वेश्चन ऐसे डाला जाए, ज्योग्राफी को छोड़ के, टिपिकल हिस्ट्री को छोड़ के, कॉन्स्टिट्यूशन को छोड़ के। अब ये चीज अगर यही मैं 2011 का उठा लूँ पेपर, जो उससे पिछला पेपर था, अगर आप उसको उठा के देखो, अगेन द सेम सॉर्ट ऑफ थिंग यू कैन सी
अब एक पहला सेकंड नंबर क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। सो पहला क्वेश्चन देख लो, राइट अबाउट कॉज ऑफ राइज ऑफ रिलीजियस मूवमेंट ऑफ जैनिज्म इन 6th century BC। ये सिलेबस में कहीं नहीं आता, कहने को कल्चर में डाल लो इसको, लेकिन एंशियंट और मेडिकल हिस्ट्री आपके सिलेबस में कहीं नहीं है। 2011 में भी क्वेश्चन एंशियंट और मेडिकल का डाला हुआ है और 2014 में भी एंशियंट और मेडिकल का डाला हुआ है। 2014 में क्वेश्चन आया था वो मैड मार बादशाह वाला, तुगलक वाला, कौन सा मोहम्मद बिन तुगलक वाला। अब ये क्वेश्चन तो भैया मेडिकल का है, ये मॉडर्न हिस्ट्री में तो है ही नहीं, टिपिकल पॉलिटिक हिस्ट्री का क्वेश्चन है मेडिकल का, लेकिन डाला हुआ है 10 नंबर का। ये क्वेश्चन अब मैं कहूँ तो भैया ये तो एंशियंट हिस्ट्री का है, कल्चर का तो किसी भी एंगल से नहीं मैं कह सकता। राइट अबाउट द कॉज ऑफ राइज ऑफ रिलीजियस मूवमेंट ऑफ जैनिज्म इन 6th century, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ हिस्ट्री, लेकिन डाला हुआ है, चलो ठीक है डाला हुआ है। अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या है, राइट अबाउट जुडिशियल रिफॉर्म्स इन ब्रिटिश इंडिया। अब ये मॉडर्न हिस्ट्री का आ गया, कहने को। देन थर्ड क्वेश्चन है, राइट ब्रीफली ऑन द फॉलोइंग भक्ति मूवमेंट, रजनीश मूवमेंट, वो तो भगवान यही जानते हैं, सिंह सभा मूवमेंट, ब्रह्म कुमारी। मतलब फिर भी कहने को ये पूरा क्वेश्चन हिस्ट्री और कल्चर का लगता है 2011 में, मतलब 2011 में थोड़ा फोकस ज्यादा था। अब ये क्वेश्चन है तो हिस्ट्री का ही ना, हिस्ट्री एंड कल्चर का, अगर मैं मोटा मोटी लिखूं। उसका अगला क्वेश्चन है, राइट अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया आफ्टर प्री लिबरलाइजेशन पीरियड, पोस्ट लिबरलाइजेशन पीरियड। सेकंड क्वेश्चन है, इवेल्युएट ह्यूमन राइट्स इश्यूज इन इंडिया, राइट ब्रीफली अबाउट ट्राइबल डेवलपमेंट प्लान इन इंडिया, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इन इंडिया। अब ये टिपिकल क्वेश्चन इकोनॉमी का लगता नहीं इकोनॉमी का क्वेश्चन, ये कह सकते हैं ह्यूमन राइट्स को छोड़ के। थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इंपैक्ट ऑन इंडस्ट्री इन इंडिया, व्हाट डू यू मीन भारत निर्माण एंड हाउ इट इज गोइंग टू ब्रिंग होलिस्टिक डेवलपमेंट प्लानिंग इन इंडिया। राइट ब्रीफली ऑन फॉलोइंग नेशनल पॉलिसी फॉर फार्मर्स, मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस। अब ये क्वेश्चन भी देखने को तो इकोनॉमी का ही लगता है। ठीक है, देखने को तो इकोनॉमी का लगता, दो क्वेश्चन हो गए इकोनॉमी के। थर्ड, राइट अबाउट सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ हरियाणा, ये लगता देखने को तो इकोनॉमी का ही। इवेल्युएट सेंट्रल फूड स्कीम्स एंड अदर असिस्टेंस प्रोग्राम टू एंश्योर फूड स्केर्सिटी फॉर पुअर इन इंडिया, लगता है ये भी इकॉनमी। तो थर्ड क्वेश्चन भी इकॉनमी का, तीन क्वेश्चन इकॉनमी क्या सेंट्यू। मैं आपको डायमेंशन ऑफ प्रॉब्लम बता रहा हूँ कि आप कहाँ प्रायोरिटीज कर रहे हैं। देखो गेम तो सबके लिए बराबर है, आप खेल रहे हो कोई और खेल रहा है, सब फिर लेवल प्लेइंग फील्ड तो है ही ना। अब कोई बच्चा बैठ के इस तरह से बाल की खाल निकाल रहा है, दूसरा नहीं निकाल रहा, तो जो नहीं निकाल रहा उसने मरना ही है, क्योंकि वो किस कुएं में कूद रहा उसको पता ही नहीं। अब ये देखो तीन क्वेश्चन इकोनॉमी के पड़े हैं ना साथ में से, कुतुक बनती है बात की। अब मैं ये पेपर उठा लूँ और इकोनॉमी पे सेंटिंग लूँ, पता लगे 2019 में एक क्वेश्चन भी पूछा इकोनॉमी का। अब अगला 500 क्वेश्चन देखो जी। अब देखो टिपिकल क्वेश्चन, एक्सप्लेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन नेशनल एनवायरमेंट पॉलिसी, इंडियन नेशनल एनवायरमेंट पॉलिसी ऑफ 2006, हाउ नेशनल रिवर कंजर्वेशन डायरेक्टोरेट इज मैनेजिंग वाटर बॉडीज इन इंडिया, राइट ब्रीफली ऑन फॉलोइंग कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, स्ट्रेटजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी स्टार्ट। अब ये क्वेश्चन किसका, कहाँ यार का है, कहाँ फॉरेन का, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का क्वेश्चन है टिपिकल, नहीं जो भी है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, एक क्वेश्चन स्टार्ट अलग पूछते हैं, लेकिन बाकी सारा क्वेश्चन तो बायोडाइवर्सिटी का है, एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी वो तो सिलेबस में का है। तो अगर मैं इसको ज्योग्राफी मान लूं, किसी को ऑब्जेक्शन है? अगला क्वेश्चन साइंस एंड टेक का है, हेल्थ और उसका, उससे अगला क्वेश्चन स्टैट का है, मतलब पूरे पेपर में उन्होंने पूरी पॉलिटी साफ कर दी, कौन से क्वेश्चन, इंडिया एंड द वर्ल्ड साफ कर दिया, इंटरनेशनल अफेयर साफ कर दिया, मतलब इन तीनों चारों सेक्शन में से एक भी क्वेश्चन। एक भी क्वेश्चन
कोई एक भी कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन नहीं देखा जाए. टिपिकली मॉडर्न इंडिया का एक भी क्वेश्चन टिपिकली इफ आई से टिपिकल कहते हैं 1957 रिपोर्ट नॉन कॉपरेशन मॉडर्न एक्सट्रीमिस्ट स्वराज स्वदेशी मूवमेंट है सिविल डिसोबीडियंस फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर रेवोल्यूशनरी क्वेश्चन कोई क्वेश्चन देखा जाए टिपिकली मॉडर्न इंडिया पे एक भी क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन पे एक भी क्वेश्चन है इंडिया एंड द वर्ल्ड पे एक भी क्वेश्चन है इंटरनेशनल अफेयर्स पे और देखा जाए तो इश्यूज ऑफ सोशल रेलेवेंस पे भी कोई क्वेश्चन नहीं है और टिपिकल ज्योग्राफी पे एक भी क्वेश्चन है. लेकिन अब क्या आप समझते हो कि 2011 और 14 का पेपर मैंने डिस्कस किया 19 में भी वही होगा. क्या इन दोनों पेपरों को देख के स्ट्रेटजी आप ये बनाओगे कि मॉडर्न इंडिया ना की जाए या कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ के ना जाऊं या ज्योग्राफी टिपिकल ज्योग्राफी जो होती है भाई मानसून का क्वेश्चन हो गया फिर ज्योग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया रिवर सिस्टम्स इन इंडिया है नहीं करके जाऊंगे या टिपिकल इकोनॉमी की होती हैं जी क्वेश्चन जो बजट के है जी पार्लियामेंट के बिल्स के अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स के क्वेश्चन कंपैरिजन ऑफ एफआर एंड पीएसपी फंडामेंटल ड्यूटीज के क्वेश्चन ना करके जाओ क्या कहते हो क्या करना चाहिए. करना तो देखो पड़ेगा ही फोर्थ प्रायोरिटी लेकिन ये है कि आपका आपने प्री किया है प्री क्लियर किया है तो आपको रिजनेबल आपका मॉडर्न इंडिया तैयार है कि नहीं रिजनेबल कॉन्स्टिट्यूशन तैयार है आपका जो आपने प्री के लिए नोट्स बनाए हैं रिजनेबल आपकी ज्योग्राफी तैयार है. मैं कतई ये नहीं कहूँ आपसे चाहूँगा कि आप बैठे सेंटी हो जाए मॉडर्न इंडिया पे पॉलिटिक्स पे ज्योग्राफी आपने जो प्री के अकॉर्डिंग से किया हो उतना की करो बस ताकि पेपर में आ भी गया तो बना के लिखाएंगे ठीक है. लेकिन जो ये सेक्शंस हैं आपके इंडिया एंड द वर्ल्ड है इंटरनेशनल अफेयर्स है या करंट वाला पार्ट है ये आपको अच्छे से करना बनता है. और ये जो करंट इन्होंने 2 साल पूछा हुआ है ये कतई भी सिंपल नहीं है मतलब थोड़ा सा ये अगले लेवल का करंट है इसमें एनालिसिस डिमांड कर रहा है वो जो थोड़ा सा आगे एक स्टेप आगे करके पढ़ा होगा करंट बिल्कुल सरफेस वाला करंट नहीं है ये. क्या कहते हो कि मैंने नज़र मारी और मेरा क्वेश्चन का आंसर तैयार हो गया है ना तो ये अगले स्टेप वाला करंट है. जो ये क्वेश्चन आए हुए सारे कुछ तो क्वेश्चन देखो अपने आप बनाने वाले और कुछ है कि तैयार करने वाले. व्हाट डू यू मीन बाय भारत निर्माण एंड हाउ इट इज गोइंग टू ब्रिंग होलिस्टिक डेवलपमेंट प्लानिंग इन इंडिया क्वेश्चन ये डिमांड करता है कि थोड़ा सा आपने इसके बारे में समझाओ. एक्चुअली भी ऐसा नहीं पूछा हुआ कि सीधे ही आपने वो करा हुआ है. राइट अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया आफ्टर पोस्ट लिबरलाइजेशन पीरियड बताओ अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ क्या पूछ रहा है. और यहाँ बायसेस तो कितने आ जाएंगे कि लिखना क्या है मुझे राइट अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ तब मुझे यहाँ सेक्टोरल ग्रोथ भी दिखानी है यहाँ मुझे ओवरऑल मैक्रो ग्रोथ दिखानी है कि ग्रोथ रेट्स कैसे बदले तो उसके लिए तैयार होना चाहिए ना. क्या बिना तैयारी के हम क्वेश्चन लिख सकते हैं जनरल से तो लिख सकते हैं कि बहुत हुई जी बहुत हुई मजे आ गए बस उतना तो लिख सकते हैं लेकिन उससे नंबर नहीं आए ना फिर. अब ये क्वेश्चन अगर किसी ने टिपिकल इकोनॉमी तैयार करी होती वो आराम से कर सकता था जब प्लानिंग इन इंडिया में हम करते हैं ये तो मतलब कहने का मतलब ये है कि हमें टिपिकल जो सेक्शंस हैं वो भी करने हैं और साथ में हमें करंट करना करंट कर लास्ट 6 महीने का करंट आपका किया होना चाहिए अच्छे से करंट विद एनालिसिस आर्टिकल विद एनालिसिस. आर्टिकल विद एनालिसिस जो भी पिछले 6 महीने में हुआ है इन द फील्ड्स ऑफ इकोनॉमी पॉलिटी साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट इंडिया एंड द वर्ल्ड
इंटरनेशनल अफेयर्स, वो हमें उठा उठा के करना है। मतलब छः महीने का अगर मैं लगाऊँ तो हार्डली आपके ये बनने हैं 150 से 200 क्वेश्चन करीब बन जाएंगे, 150 क्वेश्चन बन जाएंगे, 150 के करीब क्वेश्चन 6 महीने के बन जाएंगे छोटे बड़े मिला। ठीक है, अब 150 क्वेश्चन अगर करने हैं मतलब आपको डेली के डेली बेसिस पे 10 के क्वेश्चन तो उड़ाने पड़ेंगे। लेकिन दिस इज माय थर्ड प्रायोरिटी मेंबर, फोर्थ प्रायोरिटी, सॉरी, पहले मैंने ये देखना है कि मेरे ऑप्शन काबू में चल रहे हैं, डन। मैंने देखना है इंग्लिश हिंदी मेरे काबू में आ गया, डन। तब जनरल स्टडीज का टाइम एलोकेशन सबसे थ्रेट ये करेगी और मेरी सबसे लो प्रायोरिटी करेगी। थ्रेट कौन सी कर रहे हैं इनमें सब में? जनरल स्टडीज। लेकिन सबसे प्रायोरिटी पे लोग यही है कि थ्रेट जितना मर्जी डराते रहे जनरल स्टडीज आपको, आपने डरना नहीं है, क्योंकि वैसे भी आपको वहाँ पे पेपर में ऑन द स्पॉट ही लिखना है। बट एक इसको तैयार करने की टिपिकल तैयारी है, जैसे हम जब यहाँ पे क्लास में कराते हैं, अब जब कराएंगे तो बड़ा प्रोफेशनली कराएंगे कि ठीक है, दो साथ में करंट के टॉपिक कराते गए, साथ में करके कुछ कुछ करके जनरल स्टडीज के सेक्शन भी कवर हो गए, 20-25 क्वेश्चन की हिस्ट्री की करा दिए, पॉलिटी की करा दिए, ज्योग्राफी की करा दिए। हमारा स्ट्रेटजी ये रहती है कि ज्योग्राफी है तो ठीक है आपके 25-30 क्वेश्चन करा दिए, अगर टिपिकल ज्योग्राफी क्वेश्चन आ गया तो आप कराओगे, उससे बाहर नहीं पूछते। टिपिकल पॉलिटी के क्वेश्चन आ गए, अगर इकोनॉमी के आ गए, प्लस 6 महीने का करंट हमारा कवर करने की इच्छा रहती है कि क्लास में कर। लेकिन रिमेंबर मेरी प्रायोरिटी चौथी है, तो आपने पूरा बैठ के अपनी स्ट्रेटजाइज करना है स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को, एंड अकॉर्डिंगली आपको स्टेप्स लेने हैं। आप ऐसे यूपीएससी वाला प्री कितने लोग दे रहे हैं? जो नहीं दे रहे वो तो लग जाएंगे। सबसे पहले ऑप्शन डिसाइड करें, बिल्कुल पक्का उसकी किताबें उठाएं, एनसीईआरटी उठाएं, एक बार चेप दें एक दो दिन में, तो नया अगर आप ऑप्शन ले रहे हो। ठीक है ना, हमने जो अपने अपने मेन्यू के अंदर प्लानिंग बनाई है वो 4 सेमेस्टर की बनाई है, यही अदरवाइज करने को हम 7 भी कर सकते थे, लेकिन 4 की हम ले रहे हैं बस। ज्योग्राफी हम नहीं करा रहे कट, क्योंकि 1 महीने में मैं नहीं करा सकता। अगर मैं ज्योग्राफी कराऊंगा 1 महीने में तो स्यापा कह सकते हो आप, बाकी सब लुढ़क जाएगा। टीचर को तो एंग्जाइटी होनी है कि मैंने सिलेबस कराना, भाई वो ज्योग्राफी कराने के चक्कर में वो सारा आपका हाईजैक हो जाएगा। हम करा रहे हैं हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पब्लिक एड, पॉल साइंस। स्ट्रेटजी इज वेरी क्लियर, अल्टरनेटिव टाइप की क्लास करनी है, एक ऑप्शन की एक दिन, दूसरे ऑप्शन की एक दिन, और वो क्वेश्चन 40-40 समय कवर कर, डेली 2 क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, और 20 साल से भगवान की दया है, भगवान की दया ही कहूँगा मैं कि पेपर में ऑप्शनल के तो क्वेश्चन आ ही जाते हैं। जब दुक्का है, गैस वर्क है, कुछ दया तो होनी पड़ेगी ना भगवान की, कोई साइंटिफिक बेसिस तो है नहीं है, टीचर्स एक्सपीरियंस की ठीक है यार ये 40 क्वेश्चन कराने हैं, उसके अलावा मेरे पास चारा कोई नहीं, मैं 7 सिलेबस तो कर ही नहीं सकता। अगर मैं करूँगा तो इंग्लिश हिंदी, ऐसे ही इंग्लिश हिंदी के हम अल्टरनेटिव डे पे इंग्लिश कराएंगे, हिंदी 10-15 क्लासेज आपकी इंग्लिश हिंदी क्लास में बैठे कवर हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए, उतनी प्रैक्टिस कम कर जाती है। एक घंटा भी बैठ के अपनी क्लास में हमारे साथ हिंदी लिख ली रोज या अल्टरनेटिव डे पे काम मिल जाए। अपने आप कर रहे हो आप तो घर में डेली अपने आप हिंदी लिखो, एक घंटा या मतलब एक घंटा तैयारी करो प्लस लिखो, प्रैक्टिस करो साथ में। और जीएससी क्लास हमारी डेली है, जीएससी क्लास में वही व्यक्ति घुसे जो बहुत पैदल हो जीएससी में, जिसने कर रखी है जीएससी एक बार वो जीएससी क्लास में ना घुसे, बेटर घर में बैठ के पढ़ो। समझ आई बात? मतलब आपने जीएस यूपीएससी पॉइंट से कर रखी है, या आपने 4-5 साल से पढ़ रहे हो एचएस की तैयारी कर रहे हो, आपने जीएस कर रखी है, तो सेंटी ना हुई, सिर्फ आप अपना जो जो नोट्स आपने बनाए हैं वो रिवाइज करो बिना टेनियर देखे, बिना सिलेबस देखे। ठीक है, प्लस 7-6 महीने के करंट कर लें और टेस्ट दो हमारे पास बस, ताकि टेस्ट तो देखिए टेस्ट के बिना तो मतलब ही कोई नहीं, क्योंकि आपको टेस्ट में क्या प्रैक्टिस होनी है,
कि क्वेश्चन आता नहीं फिर भी लिखना है। टेस्ट में ये प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट में ये प्रैक्टिस करनी है कि यार लिखना 200 वर्ड थे इस क्वेश्चन से, आते मुझे 50 के वर्ड थे, वो 50 के 150 या 200 कैसे बना दिए मैंने, क्या मेरा ऑन द स्पॉट दिमाग चल रहा है। ये बहुत कुछ में होगा कि दो लाइनें आती हैं लेकिन लिखना डेढ़ पेज है तो आपको बना के लिखने की आर्ट आनी चाहिए ना। ये यूपीएससी नहीं है कि मैं आपको ये कहूँगा कि अगर दो लाइनें आती हैं वही लिख के आ जाओ, ज़्यादा एग्जामिनर को तंग करना तो नंबर काट लेगा दो के भी, या उल्टा है दो लाइनें आती है डेढ़ पेज चेपा खाली छोड़ के आना, 200 वर्ड का 200 वर्ड पूरे टिका के लिख के आने हैं रेलिवेंट बना के ना, वो आर्ट आती है, वो टेस्ट चेक होता है, हमें पता लगेगा तेरी प्रॉब्लम है, हम कह देंगे भैया ये प्रॉब्लम है अजब ऐसे बना के लिख, ये क्वेश्चन है तो इसको इस तरह से इंट्रोडक्शन लिख के ऐसे बॉडी बना दो, यहाँ पे ये डाल दो, एंड में ये कंक्लूजन ऐसे डाल दो, तो लगेगा एग्जामिनर पढ़ते हुए कि बिल्कुल क्वेश्चन का आंसर ही है, चाहे सब्सटेंस कम है। अभी सब्सटेंस ही कम है ना, किसी को साथ में से चार दे देगा आपको तीन दे देगा, अब तीन तो आए ऐसे ही नंबर इकट्ठे करने पड़ते हैं और कैसे करने पड़ते हैं, आप कहें सब कुछ आपको आता होगा एक महीने में, तो ये तो आई थिंक जस्ट एक्सपेक्टिंग टू मच आई थिंक फ्रॉम अ स्टूडेंट इन वन जस्ट वन मंथ पीरियड। अगर हो जाए हैं जुलाई फर्स्ट भाई, हिस्ट्री तो इनकी यही कहती है, मैं तो प्रे करूंगा ना हो, लेकिन हिस्ट्री इनकी ये कहती है कि जब भी डेढ़ महीने का टारगेट लगा करते करवा देते हैं और हमेशा हम ये कहते थे पोस्टपोन हो जाएगा यार, और कभी नहीं होता, जितने मर्जी केस होते रहे। देखो मेंस का पोस्टपोन होना वैसे मुश्किल होता है, अगर केस हो भी जाए तब भी वो कंडीशन करा करके करा देते हैं पेपर, ये तो प्री नहीं होता, एक बार प्री हो गया फिर तो ये रोपेटली करा ही देते हैं, और हर साल ऐसा होता था, हम हमेशा कहते थे डेढ़ महीने में कौन तैयार करेगा, इतने केस करता है तो होना है पोस्टपोन हो जाएगा, और कभी नहीं होता। तो मैं इस बार तो कहूँगा नहीं, तुम्हें पिछली बार भी पोस्टपोन हुआ लेकिन जब डिक्लेयर किया उसके डेढ़ महीने कर लेंगे, टाइम तो दिया ही नहीं ना, पहले डिले करते रहे। और देखो ना कितनी पैथेटिक सिचुएशन है वैसे। चलो और कुछ पूछना आपने, फिर हम जनरल थोड़ी सी अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल सकते हैं बातचीत करके। तो अल्टीमेटली ये आपकी लास्ट प्रायोरिटी है, ये इस तरह से प्रैक्टिस करें, और पढ़ने का तरीका क्या है, जो अपने प्रीवियस नोट्स हैं आपके उन पर रिलाई करो, ठीक है ना। अगर कुछ आपका नहीं तैयार, टेक हेल्प प्रोफेशनल हेल्प सिलेक्टिवली, ठीक है ना। अगर सारा कुछ हमारे पास करने बैठ जाओगे तो हम आपके डेली के 7 घंटे लेंगे, ये लगा के चलना आपके 7 से 8 घंटे आप शूट में लगाओगे, घर में तक के फिर आपको 7-8 घंटे लगाने पड़ेंगे। तो अगर आप कोचिंग लेने में कोई आपकी ज़रूरत है तो सिलेक्टिवली लें कि ठीक है ये 2 ऑप्शन चाहिए मुझे, 2 घंटे का स्लॉट आई के लिए, या इंग्लिश हिंदी देनी है, तो ये मैं GS तभी करनी है अगर आपने पहले ज़्यादा नहीं पढ़ी हुई, अगर नहीं ज़्यादा पढ़ी हुई तो फिर ज़्यादा पंगे लेने नहीं, हमसे इवेल्यूशन करा लेनी है एक बार, चाहे हम ऑब्जेक्टिव सलाह देंगे आपको, बिकॉज हमारा इंटरेस्ट आपके बैच करने में नहीं है, हमारा इंटरेस्ट आपकी सक्सेस में। You are at that stage of life where the success matters to us more than money. क्या बैच करें, लेकिन बड़ी बैलेंस्ड और लॉजिकल आपने डिसीजन लेना है कि यार मैंने क्या करा, डेढ़ महीना कोई मैटर करेगा। तो एक बार स्ट्रेटजी बन गई आप उस पर चल पड़े, कि बदलनी बहुत मुश्किल हो जाती है, सारा मैसेज बदल। एंड एनीबडी कैन क्लियर दिस एग्जाम्पल, पास्ट को भूल जाओ कि मैंने क्या पढ़ा हुआ क्या नहीं पढ़ा हुआ, जो इस महीने को मैनेज कर गया वो विनर है। पहले आपने बहुत पढ़ा हुआ है, बहुत इंटेलिजेंट हो, महीना मैनेज नहीं कर पाए, आप बाहर पढ़े देखे हमने, क्योंकि जो यूपीएससी का देखो 20 साल हो गए हमारे, जो यूपीएससी का देता था वो स्टेट सिलेबस से देखा ही ना। PCS HCS में चक्कर यही है, जो लास्ट मोमेंट में मैनेज कर गया महीना दो महीना बस वही विनर है ना। बहुत पहले पढ़ा हुआ काम आता है कोई, वो महीना मैनेज कर गया बैलेंस कर लिया तैयारी में, प्लीज अदरवाइज अच्छे अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे जिन्होंने IAS में जिनकी सिलेक्शन फेल हुई, हमने मेंस में फेल होते देखा कि नंबर आए नहीं, क्यों वो महीना मैनेज नहीं कर पाए, सेंट्यू किसी चीज़ के साथ ईगो नहीं लेनी। एक महीने के लिए आपने बिल्कुल ईगोलेस क्रिएचर बन जाना है,
ये कैसे नहीं आता मुझे, मेरा नंबर मैंने लगे हुए पढ़ने ना लगे यार, ये नहीं कहूँ मैं यारी चीज़ छोड़ दो। टेंशन नहीं लेने बिल्कुल। आपने ये नहीं सोचना कि ज्योग्राफी मैंने करी हुई है तो ज्योग्राफी कोर्स तो चीज़ में मैं करी लूँगा, अच्छे से कर लेता हूँ एक बार, स्ट्रेटजी गलत। आप ये कहो कि ज्योग्राफी मैंने पढ़ी हुई है, जी एस की ज्योग्राफी दे लेने दी, कुछ ना कुछ तो लिख के आता हूँ। आपने लॉ करी हुई है, आपको जी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ना कुछ तो लिख के आऊँगा मैं, ना नहीं पढ़ता जी एस की कॉन्स्टिट्यूशन। उल्टा नहीं होना चाहिए कि ये तो मेरा पक्का, इसको और पक्का कर लेता हूँ, इसके सारे क्वेश्चन चेक हुआ, एक दिन आए क्वेश्चन वहाँ पर। आपको अजीब लग रही होगी बात ये, लेकिन दिस इज व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लेक्चर, टू शेयर माय एक्सपीरियंस, टू शेयर आर एक्सपीरियंस विद यू, कि कैसे लोगों की पिछले पास्ट में सिलेक्शन हुई है, कैसे फोकस होके हुई है, और कहाँ मार खा सकते हो। हिस्ट्री ऑप्शन है आपका, आपको लगे हिस्ट्री में जीएस के अच्छे से पढ़ लेता हूँ, अरे छोड़ो यार, आपने एक क्वेश्चन मोहम्मद बिन तुगलक का देख लिया, उसके लग गए आप एंशिएंट और मेडिवल पढ़ने, क्या पता ये भी पूछ लेंगे क्या पता भूल को, अरे यार फाड़ में गया, एक ही क्वेश्चन है छोड़ देंगे, 100 का 100 नंबर खड़ करके आना, मैंने 100 का 80 का भी कर दिया मैंने, तो मेरी बात बन गई बस। लेकिन वो एक क्वेश्चन की तैयारी जो अनप्रेडिक्टेबल है, जो पता नहीं आना नहीं आना, वो तैयारी आपके 5 दिन 7 दिन 10 दिन ले जाएगी, और वहीं आप बोले पता लगे पेपर में आया क्वेश्चन नहीं एक मेरी। अब मोहम्मद बिन तुगलक के चक्कर में कितने लोग बर्बाद होंगे मुझे पता है, वो है मैड बादशाह, लेकिन 10 में से 8 बच्चों को मैड करके जाएगा, लोग लगे होंगे वजीर में कि अकबर को भी कर लेते हैं, फिर विक्रमादित्य भी कर लेते हैं, फिर गुप्त चंद्रगुप्त भी कर लेते हैं, पाला भी कर लेते हैं, वो यार आ गया वो, मैंने नहीं करना, क्योंकि अगर एंशंट और मिडिवल मुझे करनी पड़ी 4-5 नंबर के लिए, मेरा बाग दिमाग भी खराब हुआ, और किसने लिख के दिया कि आएगा पेपर में, सिलेबस में तो है नहीं है। दैट शुड बी योर अप्रोच, छोड़ दिया, नॉट टू बी स्वेड बाय व्हाट हैज कम इन द पास्ट। अब पेपर में क्वेश्चन आया भक्ति मूवमेंट, रजनीश मूवमेंट, सिंह सभा मूवमेंट, आते तो यार 200-250 मूवमेंट है, पीजन मूवमेंट भी है, ट्राइबल मूवमेंट भी है, हिंदूज के सोशलिज्म फॉर मूवमेंट, मुस्लिम्स के, पारसीज के, सिक्स के अलग है ना, वुमेन मूवमेंट अलग है, कास्ट मूवमेंट अलग है, सारे घर में बैठ जाऊँगी मैं। अब कोई बच्चा के यार मूवमेंट पूछूंगा, सारे मूवमेंट छेड़ दो, पागल हो यार, नॉर्मल पढ़ो अपना, आता हुआ लिखाएंगे ठीक है, तो कल को ये 4 मूवमेंट की जगह 4 पर्सनैलिटीज आ जाए तो आ सकती है ना, आएंगी देख लो 4 पर्सनैलिटीज आ जाएंगी, फिर हम बैठे वहाँ देख रहे हैं अरे ये क्या हो गया, और हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी कि अगर यार ये 40 मिनट के क्वेश्चन आते हैं इसमें स्टैंडर्ड क्या होता है, देखो क्या क्या होता है, मैं आपको कैसे कराऊंगा कि यार ऐसा है मूवमेंट ठीक है आगे, तो ये मूवमेंट है तेरे 200 मूवमेंट बनते हैं, इसमें से ये 30 मूवमेंट कर लेते हैं नंबर एक, और इस 30 मूवमेंट जो मैं आपको देता लिस्ट उसमें से ये 3 मूवमेंट तो आ ही नहीं, उसमें रजनीश मूवमेंट नहीं आता, बाकी सारे आ रहे हैं, मैं आपको कराऊंगा कि यार ये प्लेसेस की लिस्ट है 3 का, हिस्टोरिक मॉडर्न इंडिया में ये प्लेसेस 4 पूछ लें, क्या बता ये 50 पर्सनैलिटी कर ले, ये कॉन्स्पिरेसी केसेस कर ले, लिस्ट है कॉन्स्पिरेसी केसेस की, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस लाना, ये होते ना वो 8-10 कॉन्स्पिरेसी केसेस का, उसमें वॉट एवर काको रिकॉर्ड ये वो बन जाते हैं, मैं आपको उनको बैलेंस करके यार ये तो 5 चीज़ें कर ले, अगर टिक गया तेरी लॉटरी लगती तैयार किए हुए आ जाएंगे, ये एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस है, नथिंग एल्स, आ गया आ गया, लग गया लग गया नहीं, पर मुझे कुछ तो तैयारी करनी है, अगर मैं करूँगा तो मैं ऐसे बैलेंस बना के, ठीक है, ये था बेसिकली स्टडी फॉर एचसीएस प्रिपरेशन, आपने को क्वेश्चन पूछना है देखिए यूपीएससी अटेम्प्ट दे रहे हैं आप चुप करके प्री दो पहले अभी
ज़्यादा सेंटी होने की जरूरत नहीं है इसके लिए, चार पाँच दो घंटे लगाने हैं। तो अभी आप जो न्यूट्रल होता है, जो ब्रेन को तंग नहीं करती चीज़, वो है इंग्लिश हिंदी। एटलीस्ट आप अभी इस कमिंग हफ्ते में फ्री से पहले दो घंटे अगर एक घंटा इसको दे सकते हो, अगर आपका है दिल जिगर है इतना, तो ठीक है, तो छोड़ दो या फ्री छोड़ दो। पर अगर तैयारी अच्छी है तो प्री छोड़ने के लिए कभी कहूँगा, ठीक है। अब आपकी सारी जो स्ट्रेटजी बननी है वो प्री के बाद की बननी है, कॉन्ट्रोवर्सी प्री के बाद की है, प्री हो गया। अब अगर आपका प्री होना हुआ एयर कट, वो नंबर देख के पता लग जाएगा मोटा मोटी दो चार दिन में, फिर तो आपको देख डिसीजन लेना पड़ेगा कि मैं क्या करूँ, है नहीं? ये HCS मेंस पकड़ूँ या IAS का पकड़ूँ। अगर नहीं होना हुआ फिर तो क्लियर है कि HCS का ही देना, अगर होना हुआ तो ये है। कहाँ है IAS में? ओ नहीं नहीं यार, नहीं नहीं यार, उसमें क्या फायदा होगा, बिना पढ़े चले जाओ तब भी उतरे, उसमें क्या है, उसके लिए पढ़ने की भी जरूरत पड़ती है। वो तो बहुत सिंपल पेपर आता है वो, हम बताएंगे आपको। वो तो लिखने का तो टिपिकल तरीका तो जान है, वो तो आपकी तैयारी की स्पिरिट है, कोर है कि लिखना क्या, कैसे, यहाँ तक कितने लेवल का लिखना, अच्छा नहीं चलता यहाँ पे, क्या एक्सपेक्टेड है वो लिखना होता है, कितने लेवल का एक्सपेक्टेड है, अच्छा आंसर नहीं वहाँ पे नंबर आते। आप कितने देखते हो UPSC हिस्ट्री है, हरियाणा में पंजाब में जो बच्चे IAS के टॉपर करते हैं इतने नंबर आए हैं, उनके नंबर HCS पीसीएस में आते नहीं, क्यों नहीं आते? क्योंकि बहुत अच्छा लिख के आते हैं, और ये एग्जाम अच्छा लिखने के नहीं है, बट इज रिक्वायर्ड। कौन चेक करेगा पेपर आपको, उसके हिसाब से लिखने, उसके नजरिए से लिखने वाले पेपर, अभी प्री हो जाने तो उसके बाद आपको एक मैसेज आ जाएगा मेरा, आई विल गिव यू वन आवर ऑन हाउ टू राइट आंसर, मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करूँगा कि हरियाणा में ऐसे लिख के आना है, आपको नंबर नंबर आने देगा। बट अच्छे से अच्छा आंसर लिखने की नहीं होती वहाँ, समझे? पर सिंपल लिखना तो बहुत सिंपल, बता देंगे कि ऐसे लिखना है, बिल्कुल सिंपल, कैसे लिखना है। रिगार्डिंग लैंग्वेजेस सोर्सेज क्या रखें, हिंदी की किताबें मिलती हैं जनरल HCS के पॉइंट ऑफ व्यू से, हिंदी की किताबें मिलती हैं, गाइडेंस ही ले लो, वो लिस्ट रिटर्न आदमी लग जाओ, और वो पैसिव उसी की प्रैक्टिस करनी है, डिक्लेरेटिव प्रैक्टिस, ग्रामर की लिस्टें होती हैं याद करनी हो, हाँ सिलेबस कंपेयर कर लो, पेपर तो पढ़े ही हैं प्रीवियस ईयर, सेम हाँ वो तो सेम ही है, हाँ 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 इंग्लिश के लिए भी किताबें आती हैं, टेक्निकल की हरियाणा की किताब है, ये इसकी पीसीएस में इसकी किताब है, गाइड टाइप में मैं रेफर करूँगा, मैं कोई स्टैंडर्ड टेक्स्ट नहीं रेफर करता इंग्लिश के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली तो कुछ लिस्टें होती हैं तैयार करनी होती हैं। सर हिंदी में जो प्राइवेसी वगैरह, वो सर 500 करना होता है, ये तो क्या करोगे उसमें, तो आपको सेलेक्टिव कराना सकता ना, अब प्राइवेसी उसमें आप 500 में से 200 तो आते ही होंगे आपको, बस फिर फटाफट टिक मार करते, जो जो मुश्किल वाले हैं उसको हाईलाइट करते, हाईलाइट करते उसका और तरीका बनाएंगे। हम भी क्लास में कराते हैं तो वो बड़ा बोरिंग काम हो जाता है कि हम भी क्या कराएंगे, हम तो लिस्ट देखिए आपके टेस्ट ही ले सकते हैं, अब छोटे बच्चे तो होंगे कि आपको 20-20 प्राइवेसी करा रहे हैं, बच्चे बोल रहे थे हम तो, हमारी स्ट्रेटजी मेन होती है कि ठीक है रोज एक प्रैक्टिस करा दो, क्लास में लिख बैठ एक लेटर लिख या जो भी आता है कैसे लिख, हम तो ये प्रैक्टिस करा देते ज़बरदस्ती कि आप नहीं कर पा रहे, हम ज़बरदस्ती करा देंगे आप, मैं आपको लिस्ट क्या आप ग्रामर क्या रट्टा कराऊंगा, तो आप खुद पढ़ोगे। क्योंकि टाइम नहीं खराब करना है यार, अगर आप मुझे कहोगे सर प्राइवेसी क्लास में करा दो, मैं क्यों, मैं नहीं कराता, मैं कहा टाइम थोड़ी बर्बाद करना सबका, ये तो आपको खुद याद करनी है यार, तो क्या करा लेगा इसमें, अगर मेरे क्लास में बताने से आपको याद होता तो मैं करा देता, लेकिन वो तो दो बार तीन बार खुद पढ़ोगे, एक बार करोगे हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये मुझे नहीं आती, ये रिवाइज द्वारा करनी है, एक दो बार करोगे आ जाएगी, हो जाती है, ऐसी कोई मुश्किल भी नहीं होती, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आता होगा, प्रॉपर मैंने आपको जो कोर में हिट करा ना वो है इंपॉर्टेंट बात, कि आपको ग्रामेटिकल एरर मारती है,
and these language teachers are very particular about errors. Number you make. वही उसी हम तो अगर कराएंगे तो हम तो वही 40 क्वेश्चन कराएंगे अपने एक्सपीरियंस से. आपको हमारे पे रिलाई करना पड़ेगा और दुआ करनी पड़ेगी. सारा सिलेबस तो डेफिनेटली नहीं हो सकता. 40 क्वेश्चन मैंडेट इज ऑफ डूइंग 40 to 50 क्वेश्चन. बिल्कुल क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में चलेगी. भैया ये टॉपिक है, इसमें ये क्वेश्चन आ सकता है, ये आंसर है, इतना लिखना. ज़्यादा समझाने होने का लंबे चक्कर में हम कर चुके ना, एक्सपीरियंस है पास्ट का. टेस्ट सीरीज दे देंगे फिर वहां पे आप वैसे आंसर लिख के आपके सर पे चक्कर आ लो. नो प्रॉब्लम. ओपन मेरे पास आ जाना चक्कर आने. मेरे पास आप लॉ के आंसर चेक कराने आ जाना, आप ज्योग्राफी के चेक कराने आ जाना. डजंट मैटर, मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे नहीं. टेस्ट सीरीज फिर गड़बड़ हो जाती है फॉर्मल. कुछ बच्चे समझदार होते हैं, कुछ नहीं होते. वो तो मैं बताते बता कर बताओ जी क्या करना है इसका. अभी पढ़ा सुन रहे हैं. इट्स सिंपली टेस्ट सीरीज. आपने टेस्ट लिखा, मैंने आपको मॉडल आंसर दे दिया और ये आपके नंबर दे दिए. इसे आप मुझे बताओ कि इसमें और क्या लिखना है, कैसे लिखना है, क्यों लिखना है, मटेरियल दे दो. लास्ट टीचर के बाद इतना टाइम होता है, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो जाती है. हमें मॉरली हम बाउंड हो जाते हैं अगर तो करवाना पड़ता है, क्योंकि हैं तो टीचर ही हम. वो फिर बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है. पर्सनल लेवल पे विदाउट एनी ऑब्लिगेशन आप कोई भी टीचर को पकड़ लो यहाँ पे, दे ही विल हेल्प यू. आपका इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है, उसमें भी हेल्प कर सकते हैं. लॉ में कर सकते हैं. कोई इंजीनियरिंग के क्वेश्चन के आंसर लिख के ले आओ, मैथ के आंसर मेरे पास लिख के ले आओ. मैं इतना सक्षम हूँ आपको बता सकता हूँ कि भैया इसका ऐसे कर लेते हैं, ऐसे तेरे नंबर आ सकते हैं, ये तेरे नंबर नहीं आ सकते. ऐसे ही रोपेट के करना पड़ेगा और ऐसे रोपेट के आपकी सिलेक्शन हो जाएगी. ढूंढ रही तो सभी एक ही कस्टी में सवार है. ठीक है ना.